लंगर चलाओ, नहीं श्राप आओ। जब है लंगर अटका तब है श्राप सटका। ऐ खालसा जी, जिन्ना चिर तुसी गुरु का लंगर चलाउंदे रहोगे, कोई संत महंत पीर फकीर तुहानू श्राप नहीं जावे ना, तुहानू श्राप नहीं लगेगा। तो जे कहते जवै लंगर हटका तवै साफ श्राप, जिथे कहते गुरु का लंगर रुक गया उत्थे सारे श्राप तुहानू आके लग जाएंगे। इस करके जिहड़े गुरु के सिंख है, जिथे मर्जी होन, सब तो पहला वह गुरु के लंगर का प्रबंध करते, गुरद्वारा बनाते, धर्म की जगह कायम करते। हुण इत्थे परिवार ने पाठ भी करवाया ते महाराज के वचना अनुसार नाल लंगर भी चलाया। तीन दिन लंगर चलिया ना, ये तो मगरले दिन तो बड़ा मोटा जो कर दे, फिर जिहो जिहा करदे उहो जिहा गुरु वल्लों लै लैंदे ने। जे कोई वध करदा है तो वध कर लै लैंदा है। सतवें पातशाह कोल कुछ सिखां ने बेनती की, कहिंदे महाराज जे तुहाडा सिख गरीब होवे तो अपने घरे अमीरी सरदारी लियाउणा चाहे, फिर गुरु का गरीब सिख की करे। महाराज कहते भी जे वह गरीब सिख होवे ना, थोड़ा थोड़ा वह गुरु के लंगर विच चून भोन पाउणा कर शुरू कर दे, गुरु नानक साहब कला बरता देंगे, उहदे घरे अमीरी आ जाएगी, सरदारी आ जाएगी। फिर महाराज ने एक बचन भी सुनाया, वह प्रसंग लिखिया हुआ है इतिहास, कवि संतोख सिंह ने बड़े सोहने ढंग नाल बयान। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤਾ ਗਰੀਬ ਸੀਗਾ, ਛੰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, भी इस करके गरीब है, भी यदि मदद आप करिए। वो पिछले जन्म जे विच जे पंछी सी ना गुरु के सिख सीगे दोवें, कोई ऐसा माड़ा कर्म कर बैठे जिस करके इस जून विच आ गए, पर पिछले जन्म का उन्होंने ज्ञान सी असी गुरु के सिख हैं, आ कर्म किया, वो की भी उन्होंने गुरु के सिखा ने झूठ खुआ दी, झूठा भोजन छकाता सी। अजकल तो नहीं कोई देखते कहते की लग चलिया, पर जो लगता ना फिर पता लगता है, जो फल भुगतना पैंदा भी झूठ खाण दा ते झूठ खाण दा। वो खुआ दी ते उहदी सजा इह भी वह इस जून विच आ गए, पर ज्ञान है पिछले जन्म का उन्होंने भी आ गलती की सी, ये करके सानू आ सजा मिली है। भी ये गरीब सिख की आप मदद करिए, इनू गुरु के लंगर की महानता का नहीं पता है। वो पी कर पंछी कर लग पे, जो घरवाली कोई कणक वगैरह धो के उत्ते कोठे ते जा के वह सुकना पा दी, वो दो चार दाने चुक के जिते गुरु के लंगर का ढेर लगे ना दाने का उत्थे जाके सट देंदे। लगी तो कीड़ी नहीं मानती, वह तो पछी है, सारी दिहाड़ी लगे रहते चुकी चुरे जाते, उत्थे गुरु के लंगर पाई जाते। गुरु हर राय साहब जी कहते असी भी गुरु के लंगर विच बह के छकते हैं, गुरु के सिख भी छकते हैं। कहते वह जिहड़ा उन्हां दा हिस्सा सी ना, वह पंछियां राही उस घर का गुरु के लंगर विच पैण लग गया, उहदे घर दे विच कहते अमीरी आ गई। फिर उन्हें
अमीरी हुण तो कोठियां बना लिया, बड़े तकले महल माड़ियां बना ले, वो हुण छन ढाती, छन ढगी तो पंछियों ने तो पासे जाना ही है ना, छन ढहण तो बाद पंछी पासे चले गए, वो जो गुरु के लंगर में दाने पेंदे सी वो हट गए, तो फिर उ हाल हो चल, कोठी तो रह गई पर गरीबी उमें आ गई। कहते वो सिख फिर साढ़े को आया सतवें पातशाह, कहते कहने महाराज पहला बड़ी गरीबी सी, फिर कुछ समय में ही महाराज थोड़े दिनों में ही अमीरी आ गई, सरदारी आ गई, कोठियां महल बाणियां बन गईं, हुण महाराज फिर उही हाल है। कारण तो नहीं सानू पता की है, महाराज कहते ये तैनू असी दस दिंदे हां वी तेरे घरे पंछियों का जोड़ा सी, वो गुरु के पिछले जन्म च सिख सी, उन्होंने तेरी मदद की सी, तेरे घर दे विचों जो पीण वास्ते तेरी घरवाली वो अन्न नूं धो के उपर कोठे दे पाया करदी सी, वो चुंझ च भर के गुरु के लंगर विच पा जांदे सी, ये गुरु के लंगर की बरकत है। जे तू अपने घरे विच अमीरी सरदारी चाहना ना तो तू लंगर चलाया कर, दान करया कर, तेरे घरे फिर अमीरी आ जाएगी। सो इस करके ये साढ़े गुरु महाराज ने इतिहास राही सिखा नूं समझाया भी भाई जे तुसी अपने घर दे विच अमीरी चाहुंदे हो सरदारी चाहुंदे हो फिर जिथों तक वित हुंदा है वो दान पुन करया करो, लंगर चलाया करो, लंगर छकाया करो। हुण होले महल्ले ते भी अगुरु के सिख जांदे आनंदपुर, उत्थे जा के लंगर चलाउंदे रहिंदे तां उत्थे बाकी भी पहाड़ी हैगे आ वो खा जाते हैं पर लंगर तो नहीं चला रहे हो। असी गुरु के सिख उत्थे जाके चलाने हैं, साढ़े महल बाणियां बने पे हैं, असी सरदार बने पे हैं, वो बेचारे माड़े जे पचौड़ जे होंदे हैं, वो भी एक कणक तां उत्ते हुंदी नहीं कि पानी इहदा कोई मिट्टी मुट्टी जी पा के थोड़ा जिहा उच्चा कर ले थोड़ा बहुत, नहीं तां बस ऐं है। इधर महाराज की वेलो कला भरती है, महाराज ने लंगर चलाते देख के गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहता भी साढ़ा ये मालवा है, ये मालो माल है। तो इस करके ये परिवार ने महाराज ने कृपा की है, इन्होंने बुजुर्ग हथी किरत कर रहे सी, हथियां किरत करके जमीन खरीदी, फिर उहदे विचों ही वो दान पुन भी करते रहे। उन्होंने बजुर्गों के नाँ ते इन्हों ने भी गुरु के लंगर में थोड़ा बहुता हिस्सा पैंदा ही रहे, कमाई उन्होंने की जमीन बनाई हुई सी गुरु के लंगर में हिस्सा पैंदा रहे। वे लो दो प्लाट इन्होंने गुरुद्वारे के नाल लगा दिए, ये नाल इन्हों का कुछ घटिया तो नहीं है, बढ़िया ही बढ़िया है। तुहाडे सामने भी आ कि हुई कोठी पई पई है, ये दो प्लाट जे दान किए है तो यह एड्डी वड्डी तकड़ी अमीरी इन्हों के घर में आ गई है। सो ये कोई भी अमीरी भाई लिया सकता, इन्हों की गल की है तुसी भी लिया सकते, जिहड़ा चाहुंदा गुरु के लंगर भी लिया और दान पुन करना शुरू कर दिओ ते तुहाडे घरे अमीरी आ जाए। ये गुरु नानक साहब जी के घर का असली नुकता है, इहदे ते पहरा दे लो। परिवार ने महाराज का ओट आसरा लिया है, घरे महाराज के चरण पुआए है, पाठ करवाया है, दान पुन किया है। तो ये असी भी
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੋਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਈਏ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਮਸੀਤ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰਨ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ ਅਮੀਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਮੀਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਛਕਦੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈ ਡੇਰਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰ ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਾ ਧੋਂਦੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਝੱਟ ਮਾਰਿਆ ਜਿੱਤਾ ਪਿਆ ਅਧਰੇ ਕੇ ਪੱਤਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਲੱਭਦੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾਤੜਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਨਸੀ ਹੋਏ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਉਹ 77 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਆਹ ਰੱਖਤਾ ਭਾਰ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਤੂੰ ਕਰੀ ਕਰਾਈ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹੋ ਬਸ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਪੁਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਉਂਝ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਲਓ ਲਾਹਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਸ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਜ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਿਰਦ ਵਾਸਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਆਂ ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਲਾਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੀ ਲਓ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ
अपने कीमती समय विचों समा दे के सेवक परिवार के ग्रह विखे आए और सुंदर विचार आप संगत श्रवण करवाइया। महापुरखों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो सतगुरु पातशाह जी की कृपा रहमत हुई, लंगर की प्रथा बारे महापुरखों ने चानना पाया भी किवें गुरु के सिख दे घर अमीरी आई, गुरु के लंगर हिस्सा पैंदा रहा ते किवें गुरु पातशाह जी ने यह मालवे देश माला माल किया। सातवें पातशाह गुरु हर राय साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन वचन गुरु इतिहास अंदर आते हैं, समा चुके ते जो नर आवे ताहे भोजन दे अचवावे तिस पर खुशी हमारी हो। ये मेरे नाल एक बार ऐं बीतिया सी भी मैं कितने बाहर गया होया सी, सिंह कहिंदे भी तू ज्ञान जी कोल पढ़िया संथिया कीती आ सहज पाठ की सेवा करदे, सिखी कैंप लग्या सी, मैं सहज पाठ करी गया ते लंगर पानी का समा लंघ गया, मैं बाद विच गया। सिंह मैनू हास च कहण लग गए भी समा लंघ गया लंगर का भी तू लेट आया समय नाल आया कर। मैं उन्होंने हास्य मैं क्या मैं ऐ दसो भी तुम गुरु हर राय पातशाह महाराज की खुशी चाहते? कहता चाहते हैं। मैं महाराज यह वचन आते समा चुके ते जो नर आवे, समा लंघ गया हो लंगर का जिहड़ा इंसान उदों आवे उदों लंगर भी वध गया हो ताहे भोजन दे अचवावे, जिहड़ा सिख उदों लंगर तैयार करके सिख नूं छकाऊ महाराज कहिंदे तिस पर खुशी हमारी हो, ओदे उपर साडियां खुशियां होणगियां। तुसीं खुशियां चाहने? कहिंदे हाँ जी। मैं कहा प्रशादा छकाओ, उन्हें छकाता प्रशादा। इस करके गुरु पातशाह जी ने बाणी विच वचन कह दिते, कबीर मेरा मुझ मैं किश नहीं जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लग है मेरा। गोविंद भाओ भगत का भूखा भावनी भगत पाए, कौडी अगर भाग राखे ताहे गुर सार्व निधान दान दे। परमेश्वर वाहेगुरु कोई पदार्थां दा भुखा नहीं है, जे सिख कोले कुछ ना होवे भला वह पंज दातणा वढ के महाराज दे चरणा च भेटा कर देवे, गुरु महाराज वह भेटा भी प्रवान करन वाले। आगरे दे विच जदों सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन दरबार विच घाही सिख आया सी, घा दी पंड ते ओ पंज पैसे टके इदां कुछां दा हुण मेरे याद नहीं भी वह भेटा कीता सी। महाराज सच्चे पातशाह जी ने उन्हूं निहालो निहाल कर दिता सी सिख। इस करके जो कुछ भी किसी कोले होवे जथा शाक्त लंगर पानी चलावे महाराज दी खुशियां मिलदियां हन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का धन्यवाद है, आप समुचियां संगतां का धन्यवाद जिन्हां ने भाई निर्मल सिंह जी के ग्रह विखे आके चरण पाए। रागी साहिबाना ने भी शब्द गायन किया, जिथे जाए वह है मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे, जिथे सतगुरु साहिब सच्चे पातशाह जी ने मुबारक पर चरण पा दिते वह थां भी साह संगत जी शोभनीक हो गया। सतगुरु पातशाह जी कृपा करन परिवार नूं अते समुचियां संगतां नूं इसे प्रकार अपने चरणां नाल जोड़ी रखण, दरों घरों सिखी सिदक नाम बाणी दा प्रेम प्यार बख्शण, इसे प्रकार खुशियां महाराज बख्शदे रहण। सो महापुरखां ने जो वचन कहे भी माड़ी मोटी मर्यादा नाल सिंघ इह पाठ कर लैंदे साह संगत जी बहुता गुड़ता हुंदा नहीं, जिन्ना माड़ा मोटा हुंदा आप संगतां ने कृपा करनी इतों घटे ना, इतों वध बेशक जावे घटे ना। सो बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानी जी का जिन्हां ने चार अखर पढ़ाए और जिन्हां अगे सिंघां ने
मेरे को मेरे गुर भाई ज्ञानी कुलदीप सिंह को भी पढ़े अखर चार असी यही कहने होंने भी जो डीके तो सानू महापुरखा को मिलया असी उही अगे थानू दे रहे तुसी साडे विद्यार्थी नहीं तुसी डीके वाले महापुरखा की विद्यार्थी और महापुरखा ने भी ये वचन कहे भी जिन्ना समा सारे सिंह सही तरीके दे नाल पाठ करते रहन उन्ना चिर यह करना जदों देखिया बिच कोई ओह जिहा रलिया उस वेले हाथ जोड़ दिओ बेमर्यादा नहीं करना पाठ करना पाप नहीं करना फिर भला आपां सहज पाठ ही कर लिया करांगे सतगुरु महाराज कृपा करन महापुरख कृपा करन आप संगतां कृपा करियो जिन्ना भी समा महाराज सेवा बख्शते रहन सतगुरु पातशाह जी अपने बनाए हुए निजमां दे अनुसार अपने निजमां विच सतगुरु पातशाह जी सेवा करवाण इस स्थान ते आके गुरु पातशाह जी दी हजूरी विच सिंघां वल्लों गुरु की बाणी दे पाठ होए सेवा होई ओदे विच भी बहुत भुलां गलतियां होईयां साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी बख्शंद हन आप गुरु कीआं सिख संगतां बख्शण योग हो होईयां भुलां गलतियां दी खिमा करनी जो समां दित्ता सी 12 बजे दा तकरीबन संपूर्ण हो चलिया 5-6 मिंट रह गए इत्थे ही साध संगत जी सारी समाप्ति है महापुरखां दा धन्नवाद जो कीमती समां दे के सुंदर विचारां महापुरखां ने सुनाईयां बहुत बहुत धन्नवाद समुची संगत नूं जी आया नूं इत्थे साध संगत जी सारी समाप्ति है सब संगतां दे चरणां विच बेनती है सतनाम वाहिगुरु दे जाप होणगे नाल नाल कड़ाह प्रसाद दी देग वरताई जावेगी ते लंगर पानी जिस जगह दे बाहर संगत सजी है पंडाल दे विच इसे स्थान ते सब तो पहला बेनती भी भाई सारे माई भाई इत्थे बैठ के प्रशादा पानी छकणगे बाद विच इसे जगह ते पंगतां ला के बीबियां नूं भी लंगर पानी इत्थे ही छकाया जावेगा आओ सा संगत जी इत्थे समाप्ति है कड़ा प्रसाद दी देख हुण वरतेगी जिन्ना चिर सा संगत जी देख वरत रही है उन्ना चिर सतनाम वाहिगुरु दा जाप करिए और गुरु महाराज जी दे पावन स्वरूप बाद विच जदों समुची संगत लंगर पानी छक लवेगी उस तो उपरंत अपने निजी स्थानां ते जाणगे इत्थे ही समाप्ति है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहे